फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ, दो काम कहो जी। तुम ना ही मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। You know you can just call me Shubhra। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा जी? क्या? जट शिब्रा? मस्करे हो तुम? तो फिर डफर हो। आपकी दोनों बातें ठीक हैं। डफर तो मैं हूं, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस हूं। मैं भी शिब्रा, सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो। उम्मीद है तुम्हें कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी। आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना? हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। ओ हेलो, तुम बनते हो या तुम सच में डफर हो? तंस था। अरे बता दो, मजाक करता हूँ। सॉरी, आप देखना, मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा देखने वाला बोलेगा। ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बातें करना, ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, किनको? मेरी दादी की रूह को। रूह? शिब्रा जी, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाले की कोई बात नहीं है। तुमसे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की, तो कान मत धरना। इग्नोर। हाँ, बिल्कुल इग्नोर। इग्नोर, इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, वो वाला भी। तो ये ठीक ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा लूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? वो जब आएगी ना, उसको मैं समाध लूंगा। मेरे मुर्शिद साई ने एक वजीफा बताया है रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे, वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। फजल भाई, ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओके। तेरा मेरा है प्यार अमर। कोई भी सामने आया ना, छोड़ूंगा नहीं। जोगी मुझको कहो।